बीकानेर में आयोजित होने वाले डीजी फेस्ट 2018 को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आईटी एक्सपो और हैकाथन को लेकर 17 डोम लगाए गए हैं। बुधवार को डीजी फेस्ट का आगाज होगा। आज आईजी कलेक्टर और एसपी ने डीजी फेस्ट स्थल का जायजा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने आईजी कलेक्टर और एसपी से बातचीत की, डीजी फेस्ट को लेकर जानकारी भी ली। हम सब डिजिटल और सब आसान, जी हाँ, इसी थीम के साथ डीजी फेस्ट 2018 बीकानेर में आयोजित हो रहा है। तमाम इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आईजीबी के पांडे, कलेक्टर एनके गुप्ता, एसपी सवाई सिंह गोदारा सहित तमाम वो लोग जो इस आयोजन से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जुड़े हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि इंद्रदेव बीच बीच में जरूर दुश्मन बन रहे हैं, लेकिन जो डॉम्स हैं, 17 डोम यहाँ पर लगाए गए हैं और इन डॉम्स में ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है। कोशिश यही है कि ये आयोजन अच्छे से हो। हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं, जिला कलेक्टर से भी बात करेंगे और समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, किन चीजों पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये ड्रीम एक तरह से रहता है हमेशा ही। तो सब थोड़ा सा समझना चाहेंगे डीजी फेस्ट में क्या फोकस रहने वाला है। डीजी फेस्ट बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड जो है, डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनी टाइम एनी वेयर फैसिलिटीज, विशेष तौर पर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उसके उद्देश्य से आयोजित किया गया। लोगों में अवेयरनेस है, लोग बाग डिजिटल लिटरेसी के बारे में समझे। यहाँ पे जो खास बात है वो एक तो हैकाथॉन है, जो कुछ एक्सपर्ट्स होंगे वो होंगे, कुछ स्टार्टअप्स यहाँ पे आ रहे हैं वो अपनी जानकारी देंगे, और यहाँ पे रोजगार मेला भी लगाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि जो डिजिटल इंडिया का जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसी की एक तरह से कहिएगा उसी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। आईजी बीके पांडे, जो कि सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम होना बहुत लाजमी है, स्टेट का बड़ा प्रोग्राम होता है, ये सीएम खुद आ रही हैं। अभी 27 को टेंटेटिव प्रोग्राम आया हुआ है, जिसमें डीजी फेस्ट के साथ साथ जनसंवाद का है और देश नौक जाने का भी उनका प्रोग्राम है। जैसा भी फाइनल प्रोग्राम आ जाता है तो उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। और अच्छी बात है कि एक रोजगार मेला यहाँ लगेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है, पूरी व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, नई चीज है और अच्छी चीज है, यही कोशिश है। एसपी साहब, चूंकि सुरक्षा अधिकारी, आपको मॉनिटरिंग के लिए खासतौर पर प्रेस नोट जारी हुआ है, किस तरह के इंतजाम रहेंगे? चूंकि वीआईपी विजिट है तो सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त होंगे। वीआईपी मोमेंट में चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, रूट लाइनिंग की व्यवस्था हो, चाहे जहाँ जहाँ प्रोग्राम है वहाँ की क्राउड कंट्रोल का पार्ट हो, हर जगह पर माकूल बंदोबस्त किया गया है और बिल्कुल अच्छे से होगा। बहुत बड़ा मेला है और लोगों की आमद रफत भी यहाँ बहुत रहेगी, और चूँकि बीकानेर के लिए डीजी फेस्ट पहली बार हो रहा है तो लोगों में इसके प्रति क्रेज भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि क्रेज भी है और बहुत बड़ा आयोजन अपने आप में है। हैकाथन यहाँ पर होगा, आईटी एक्सपो होगा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कोशिश यही है कि जो नारा है डिजिटल इंडिया का और इस जो आयोजन है उसका नारा भी यही है, हम सब डिजिटल सब आसान। उम्मीद करें ये जो कार्यक्रम है, चूंकि बारिश जिस तरह से जरूर बार बार व्यवधान डाल रही है, लेकिन हालांकि डोम्स में तमाम व्यवस्था की गई है, उम्मीद करें बेहतर आयोजन डिजी फेस्ट 2018 का बीकानेर में होगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।